इस्पंज आयरन फैक्ट्री लगने को लेकर लोक सुनवाई का आयोजन नेवनारा गांव में हुआ। फैक्ट्री खुलने का विरोध करने पहुंचे क्षेत्र के हजारों की संख्या में किसान, जिला प्रशासन की ओर से तैयारी की गई, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती नजर आई। किसान अपनी अपनी जमीन बचाने के लिए एकत्र हुए। फैक्ट्री खुलने से क्षेत्र का वातावरण प्रदूषित होगा, फसलों को नुकसान होगा, लोगों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। फैक्ट्री खुलवाने के लिए जिले में तीसरी बार लोक सुनवाई हुई। बेमेतरा जिला अंतर्गत बरेला ब्लॉक के ग्राम नेवनारा में लोक सुनवाई का कार्यक्रम रखा गया था। बेमेतरा जिले के विभिन्न गांव से किसान और जनप्रतिनिधि जन सुनवाई में विरोध दर्ज कराने पहुंचे। जिले में लगातार लोक सुनवाई के विरोध के बावजूद तीसरी बार लोक सुनवाई का कार्यक्रम रखा गया। फैक्ट्री खुलने को लेकर किसान काफी आक्रोशित और काफी नाराज नजर आए। छत्तीसगढ़ सरकार किसानों के हितैषी सरकार बताने वाली सरकार क्या किसानों के हित में फैसला ले पाएगी या उद्योगपति की, ये देखने वाली बात होती है। तीसरी लोक सुनवाई में पत्रकारों के साथ भेदभाव किया गया। प्रशासन की अव्यवस्था के चलते खबर कवरेज करने के दौरान पत्रकारों के साथ बार बार विवाद की स्थिति निर्मित होती रही। प्रशासन की अव्यवस्था के कारण पत्रकारों को कवरेज करने में परेशानियां होती हैं। नारा में मेसर साडे एनर्जी मिनरल्स लिमिटेड का जन सुनवाई हुआ, जिसमें ग्रामीणों के द्वारा उपस्थित होकर अपनी आपत्ति और सुझाव दर्ज किया गया। उसमें क्षेत्र के जनप्रतिनिधि भी उपस्थित थे। एनओसी के बारे में कुछ बवाल हो रहे थे। जन सुनवाई के पूर्व ऐसे एनओसी के लिए ग्राम पंचायत से ग्राम सभा से एनओसी का प्रावधान नहीं है, लेकिन निर्माण कार्य प्रारंभ करने के पूर्व निश्चित रूप से कंपनी को ग्राम पंचायत ग्राम सभा से एनओसी लेना होगा। क्या लग रहा है सर जन सुनवाई में, सर रिजल्ट क्या आ रहा है सर? नहीं, अभी तो हम लोग जो भी आपत्ति सुझाव जो बात आई उसको दर्ज किए हैं और राज्य के पर्यावरण संरक्षण मंडल को प्रेषित कर दिया जाएगा और वहीं से डीसी जी बताइए। हम लोग आज आए हैं नेवनारा में, जन सुनवाई हो रही है। साडा एनर्जी का बहुत बड़ा एक इस्पंज आयरन स्टील और पावर प्लांट का निर्माण होना है, उसके विरोध में यहाँ आसपास 40 गांव पूरे बेरला ब्लॉक के लोग आए हुए हैं, विरोध कर रहे हैं और लगातार विरोध हो रहा है। जबकि नेवनारा में आज तक एनओसी जारी नहीं किया गया, उसके बावजूद जन सुनवाई हो रही है। समझ में नहीं आता कि बगैर पंचायत के एनओसी से जन सुनवाई कैसे की जा रही है। लगातार विरोध हो रहा है, सरदा में विरोध हुआ, बोरिया में विरोध हुआ, नेवनारा में विरोध हो रहा है। इसके अलावा भी अभी 10-15 जगह और प्लांट लगने हैं। हमारी मांग है अगर आपको प्लांट लगाना है तो बगैर पॉल्यूशन वाला प्लांट लगाएं। बेमेतरा एक ऐसी जगह है जहाँ चारों तरफ हरियाली है, दो दो नदियाँ हैं, यहाँ हर प्रकार की फसल होती है, किसान यहाँ के खुश हैं। आप ऐसे क्षेत्र को बर्बाद क्यों करना चाहते हैं? हमारी मांग है अगर यहाँ अगर आपको प्लांट लगाना है तो फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाएं, शक्कर का कारखाना लगाएं, मक्का का कारखाना लगाएं, ऐसे कारखाना लगाएं जिससे प्रदूषण न हो, किसान का भला हो। बार बार विरोध के बावजूद सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। बेमेतरा जिले को स्पेशल उद्योग का दर्जा दिया गया, 100% सब्सिडी है, इसमें कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों का समर्थन है, तब तो जाके इसको स्पेशल उद्योग का दर्जा दिया गया है। हम चाहते हैं ऐसे जगह उद्योग लगाएं जहां किसी प्रकार का कोई फसल नहीं होता, जहां बंजर जमीन है, ऐसे जगह उद्योग का दर्जा दिया जाए, वहां उद्योगों को लगाया जाए। हम लोग किसी के विरोध में आ जाए हैं और हम लोग सब एक हैं। जरूरत पड़ेगा तो आगे की लड़ाई लड़ेंगे और सभी जितने भी दल के संगठन के लोग हम